हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई लव स्टूडेंट सुमित कुमार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिसिंग नंबर। यहां पर आपको ये रीजनिंग की क्लास है, लगातार रीजनिंग की क्लासें मिलती रहेंगी। जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, रीजनिंग की क्लास अगर लगातार आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो यहां पर जो मैं आज की क्लास लेकर आया, उसमें मैं आपको मिसिंग नंबर बताऊंगा। पहले की जो मैंने वीडियो अपलोड की रीजनिंग की, उसमें मैंने आपको बताया था शब्दों पर आधारित प्रश्न और अंकों पर आधारित प्रश्न। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर, ये सवाल ज़्यादातर बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन ये कठिन होते नहीं है बल्कि बहुत सिंपल होते हैं। बस यहाँ पर आपको जो तरीका अपनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर किस तरीके से इन्हें करना है। आइए एक एक करके इन सबको बताते हैं। तो इन सवालों को जो लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, इसे जो हम बोलते हैं रो बोलते हैं, जो यहाँ पर इधर इन्हें हम रो बोलते हैं, इस तरीके से होते हैं, उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, रो वाई कॉलम होता है और यहाँ पर एक आव्यूह की तरह दिया होता है। यहाँ पर आपको तीन तरीके से देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर जब पैटर्न एकल चित्र में दिया हो या जब पैटर्न दो या दो से अधिक चित्रों में दिया हो। तो इस सवाल को कैसे लगाते हैं, इनमें एक लुप्त संख्या होती है, मतलब एक संख्या कॉलम दिया होता है, वहाँ पर आपको एक लुप्त संख्या होती है, वही आपको ज्ञात करनी होती है। वो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फार्मूला होता है, क्या ट्रिक होती है, सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसे हम आव्यूह भी बोल सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं, इसे हम रो बोलते हैं और यहाँ पर इसे हम कॉलम बोलते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है, घटाना भी हो सकता है, और वर्ग भी हो सकता है, और घन भी हो सकता है। यहाँ पर ये सब यूज हो सकते हैं, वो आपको देखना है कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, किस तरीके से आपको करना है। आइए हम आपको ये सवाल लगाकर दिखाते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको या तो रो में आपको जो संबंध मिलेगा या फिर कॉलम में। अगर रो में मिलेगा तो सब रो एक से ही लगेंगे, अगर कॉलम होगा तो कॉलम में एक ही से ही जो संख्या आएगी वो वैसे ही सेम आएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है 6, 15, 20 और नीचे देखिए 6, 8, 13, 51। तो यहाँ पर हम आपको देखना है ये 51, यहाँ पर जैसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पहले आइए कॉलम देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सोचना है 51 कैसे आए। तो देखिए यहाँ पर कौन सी ट्रिक लग रही है, 8 6 48, ठीक है, 48 49 50 51 आपको मिल गया। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसमें क्या करनी है, उसे गुणा करनी है। 8 6 48, उसमें जो संख्या दी गई है आगे, उसमें यहाँ पर वो जोड़े जा रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 51। अब यही ट्रिक लग रही होगी अगले वाले रो में, अगले वाले कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए 15, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे। देखिए 15 चक्कू 60 5 65, 15 चक्कू 60 5 65। अब बस यहीं पर वही आपको लगाना, आपका लुप्त जो संख्या वो आ जाएगी। तो 20 में 5 से तो गुणा कर रही है पहली बार, ठीक है, 20 5 100 प्लस कितना ऐड करना है 20, यहाँ पर वाली जे वाली संख्या ऐड हो रही है और इन दोनों की गुणा हो रही है। तो आप यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा 120। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा वी। इसी तरीके से आपको सभी सवाल लगाने हैं, या तो कॉलम वाई या रो। आइए अगला सवाल लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 18 11 19 12 13 16 36 4, यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या यहाँ पर यूज हो रहा है, कौन सी ट्रिक यूज हो रही है जिससे कि आपको पता लग सके। तो देखिए 18 12 36, यानी ये 36 कैसे आए ये आपको पहले देखना है। तो देखिए 18 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो कितना बचता है 6, और 6 का हम वर्ग करते हैं तो कितना जाता है 36। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, 18 में से हम 12 को घटाएंगे, उसका कर देंगे वर्ग, यहाँ पर 6 बचेंगे और 6 का जो वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36। इसी तरीके से 11 में से हम 13 घटाएंगे तो बचेंगे 2, माइनस के 2 बचेंगे, अगर वर्ग करेंगे तो प्लस के ही 4 आ जाएंगे। यहाँ पर अब 16 घटाएंगे और उसका करेंगे वर्ग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 में से 6 गए, यानी मतलब 19 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया इस तरीके से, इसे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया 3 5 7 और 3 4 9 16, आपको देखना है यहाँ पर कौन सी ट्रिक फॉलो हो रही है, यानी किस जो एक में लगेगा वही सभी में लगता है, और जो लुप्त संख्या है वो आपकी लुप्त संख्या
आ जाती है। तो आइए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर 3, 4, 9, 4, 3, 7 और 9 कितने होते हैं 16। तो ये सिंपल है, यहाँ पर 3 ऐड किए गए हैं, 4 और 9 कितने हो जाते हैं 16। 4, 3, 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16। यहाँ पर देखिए 6, 5, 11, 11, 25 कितने होंगे 36। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है, इसे आप तो लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 7 प्लस 8, यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। मान लिया मैंने x, टोटल कितना होगा 64। तो यहाँ पर देखिए 7, 8, 15 में से हम 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से हम 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 49। किस तरीके से घटाएंगे, देखिए ये x संख्या उधर लेके जाएंगे, क्या की हो जाएगी माइनस की, और 64 इधर लेके जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी और ये वाली चली जाएगी उधर। तो यहाँ पर 7, 8 में जोड़ेंगे और 64 में से घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 49। तो यहाँ पर 49 आप लिख सकते हैं, देखिए 7, 7, 7 और 8 15 और 49 64 होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 49, आंसर नंबर डी। इस तरीके से आपको लगाना। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए 268, 29, 210, 218 लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है और 166 दिया गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया गया है 268 और 210, अगर हम 268 में से 210 को हटाते हैं, 268 में से हम 210 को घटाते हैं तो कितना बचता है 8 और 5, 58। अगर हम 58 को 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 2 दूनी 4 और यहाँ पर एक हासिल लगेगा 2 ने 18 तो कितना आ जाता है 29 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 29, जो बीच में यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिया गया है। ठीक है, 29 दिया गया, यानी इन दोनों संख्या को घटाकर 2 से करनी है आपको भाग, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 218 में से 166 को घटाना है और नीचे लिख सकते हैं 2, यानी 2 से भाग करनी है। तो देखिए कितना आता है, 8 में से 6 जाएंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएंगे 11। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 5 यानी 52 आ जाएगा और 2 से कर देंगे भाग, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 यानी 26 आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको लुप्त संख्या यहाँ पर आपको लिखना है 26, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करने, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया पांचवा, देखिए 13, 9, 24, 11 यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, 6, 16, 20, 10 यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर ये कितनी आएगी। आपके पास ऑप्शन है, आप लगाइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। चलिए हम भी आपको लगा के यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ढूंढना है यहाँ पर क्या मिल रहा है क्या नहीं, या रो बाई रो या कॉलम बाई कॉलम। तो देखिए यहाँ पर जो कौन सी सीरीज चल रही है, 13 और 11, 13, 11 और यहाँ पर दिया गया 16। अगर हम 13, 11 और 16 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 3, 1, 4, 6, 4, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1, 2, 3, 4 यानी 40 आता है। और यहाँ पर देखिए हम इसे जोड़ते हैं 24 और 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 30, 30 में 10 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 40, यानी लमसम तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 40। तो यहाँ पर ऐसी संख्या आपको लिखनी है कि तीनों का योग 40 होना चाहिए। देखिए 20 और 9 कितना हो जाएंगे 29, अब आपको 40 में से 29 को घटा देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11, तो आपका 11 राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से आपको करना है, टोटल संख्या कितनी आ रही है 40, तो यहाँ पर हम 20 और 9 29, 40 में से 29 जाएगा यानी 11 आपका हो जाएगा राइट आंसर। किस तरीके से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, आपको लुप्त संख्या मिल गई 11, तो 11 आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 का 40 आ रहा है, बीच वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है, वहाँ पर हम x मान सकते हैं या फिर उसको हम बराबर वाली संख्या को इधर ले आते हैं तो वो किस में हो जाती है माइनस में। जब इसे हम जोड़ते हैं और उसमें से घटा देते हैं तो कितना जाता है 11 आपका, ये हो जाता है राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, इसे आप लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया 85, 20, 5 या इधर से आप देखिए 85, 126, 175, यहाँ पर लुप्त संख्या ये आपको ज्ञात करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कैसे पता लगेगा, जब आप लगाएंगे ही नहीं तो आपसे लगेगा कैसे, कोशिश कीजिए फिर भी देखिए किस तरीके से लगेगा ये।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से लगाएंगे, 20 और 5 की करेंगे हम गुणा, 20 पंजे 100, और 100 में से हम क्या करेंगे, 20 में से हम 5 जैसे हमने गुणा की वैसे ही 5 हम घटा देंगे और हमारा आ जाएगा 85। किस तरीके से, देखिए 20 पंजे 100 और 20 में से 5 के कितने बचे, 15, 100 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 85। तो यहाँ पर हमने इनकी गुणा की और इन में से इन्हें घटा दिया और इन टोटल को घटाया तो हमारा 85 आ गया। तो इसी तरीके से हमें इनकी और इनकी गुणा करनी है, 24 और 6 की करेंगे गुणा, इसमें से माइनस करेंगे हम 24 माइनस 6 तो हमारा कितना आएगा, 126। अब देखिए 24 छंगा 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2 6 दूनी 12 13 14 यानी 6 चौक 24 144 और 24 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 18, उसमें से हम घटाएंगे एक तो कितना बचेगा 126। तो यहाँ पर आपको एक लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे x भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमने माना इसे x, गुणा करेंगे 7 से, माइनस घटाएंगे x में से 7, संख्या कितनी आनी है 175। अब देखिए 7x की गुणा करेंगे तो 7x आ जाएगा, माइनस x माइनस x माइनस माइनस प्लस 7 बराबर 175 दिया गया, ठीक है। इसे इस तरीके से कर सकते हैं, 7 में से x जाएगा कितना बचेगा 6x और 7 हो जाएंगे, 175 में से यहाँ पर हम 7 को देंगे घटा, तो यहाँ पर देखिए 6x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 7 चला जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा 6। अब यहाँ 6 चला जाएगा इसके बटे में, यानी x बराबर हो जाएगा 168 बटे 6। अब इसे आप काट सकते हैं, 2 3 6 2 8 16 2 4 8 3 से काटिए, 3 2 6 ठीक है, 3 2 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 3 2 6 8 में से 6 गए 2 8 3 24 यानी 3 8 24 तो यहाँ पर कितना आ जाता है 28। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 28। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर 20 और 5 की करनी है गुणा, पहले 20 और 5 की करनी है गुणा, उसमें से हमें घटाना है 20 और 20 में से 5 को घटाना है, बराबर में हमें 85 मिल जाएगा। देखिए कैसे, 20 पंजे 100 और 20 में से 5 जाएगा 15, 100 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 85, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखिए 24 और 6 की गुणा करेंगे, 24 में से 6 घटा देंगे, जो गुणा करेंगे और जो घटाया उसमें से हम उसे घटा देंगे अगर, तो हमारा 126 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर तो हमें कोई संख्या पता नहीं है, लुप्त संख्या वही हमें ज्ञात करनी, मान लिया लुप्त संख्या x, उसी पर जगह पर हमने लिख दिया x और जैसे हमने 5 से गुणा की थी 6 से गुणा की थी उसी तरीके से 7 से गुणा कर दी और x में से घटा दिया और बराबर में कितने 175। अब 7x से कम 7x, x माइनस के बाहर है तो माइनस, माइनस माइनस क्या होता है ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस और बराबर में 175। 7x में से 1x जाएगी 6x बचेगी और 7 जो प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इससे घट जाएंगे कितने बचेंगे 168। अब 6x देखिए x के गुणा में 6 है तो 6 कहाँ जाएगा, बटे में यानी भाग में, जब हम इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए 7वें नंबर पे 4 5 1 2 5 6 7 6 6 9 6 4 45 92 84 लुप्त संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो इसे कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है 56 48 52 45। तो देखिए इसे कैसे लगाते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया गया है यहाँ से हम इसे लेते हैं, देखिए 6 6 36 5 5 25 यानी यहाँ पर हम कर रहे हैं इसे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 5 25 और 4 का स्क्वायर, इसे हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए आप 6 6 36 5 5 25 तो 36 प्लस 25 माइनस 4 6 16 देखिए 6 5 11 कितना हो जाएगा 6 5 11 का एक हासिल लगा 1 3 2 5 1 6 61 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 कितना आ जाएगा 45। बस यही सीरीज आपको चल रही है, कैसे पता करना है देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर तो हमारा 45 आएगा। किस तरीके से 6 6 36 5 5 25 36 और 25 होते हैं 61 और 4 6 16 61 में से 16 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं 9 9 81 6 6 36 5 5 25 घटाना है। अब देखिए
6 7 8 3 9 10 11 यहाँ पर 7 आया था, 117 है, 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा 92। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये करना है, वही आएगा जो बिल्कुल सेम होता है सब में, तीनों में एक ही आएगा। अब इसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 चक्कू 16, 6 छंग 36, माइनस 2 दूनी 4। देखिए 6 6 12 के 2 हंस लगा 1 3 1 4 और 5, और 4 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 में से 4 गए यहाँ पर 48 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 गए यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 4 तो कितना आ जाएगा 48। तो 48 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुप्त संख्या आपकी कितना हो जाएगी 48। इसी तरीके से आपको लगाना है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ देना, 4 का स्क्वायर हटा देना, नीचे वाली संख्या आ जाएगी, यानी इसका स्क्वायर ऐड करना है और इसका स्क्वायर माइनस करना है, तो जो आएगा वो नीचे वाली संख्या आएगी। 1 2 3 में आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया, देखिए 4 6 10 2 1 3 5 8 लुप्त संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 चक्कू 16 में से 6 जाएंगे 10, यानी सबसे पहले संख्या का वर्ग करना है, 4 का वर्ग करना है, उसमें से 6 को घटा देना, 4 चक्कू 16 में से 6 जाएंगे यहाँ पर तो बचेंगे 10। बस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना है, 1 को घटा देना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 जगह कितना बचेगा 3। यहाँ पर 5 का स्क्वायर करना है और इसमें से 8 को घटा देना है, 25 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सवाल समझ गए होंगे, कुछ नहीं है इसमें, 4 इधर वाली संख्याओं का क्या करना है स्क्वायर करना, ये वाली घटा देनी है तो आपके सामने वाली आ जाएंगी, तो लुप्त संख्या कितनी हो जाएगी 17 आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 9 की 5 8 14 9 6 21 7 2 लुप्त संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो इसे कैसे करते हैं आइए हम आपको समझाते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करनी है, 5 में हमें 2 से गुणा करनी है और 8 में 2 से भाग करनी है, 5 2 10 2 4 8 10 4 14 कैसे नहीं समझे आप, समझिए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, इसे लिखते हैं, 5 में करनी है 2 से गुणा, लिखिए 5 गुणा 2 प्लस करना है 8 में 2 से भाग, 2 4 8 5 2 10 4 14 समझ गए ना, अब तो समझ गए होंगे। 5 में करनी है 2 से गुणा, 5 2 10 8 में करनी है 2 से भाग, 2 4 8 5 2 10 4 14 ओके। यहाँ पर देखिए 9 में करनी है 2 से गुणा, 6 में करनी है 2 से भाग, 2 3 होते हैं 6 9 2 18 19 20 21 18 और 3 21 आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए 14 और 21 आपको यहाँ पर दिया गया है ओके। अब देखिए 7 में क्या करनी है, 7 में करनी है 2 से गुणा और 2 में करनी है 2 से भाग, 2 में करनी है 2 से भाग, 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा, 7 2 14 1 कितना हो जाएगा 15। तो आपकी लुप्त संख्या आंसर है जो कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर लुप्त संख्या हो जाएगी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न दिया गया है 5 9 15 16 29 लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है और 49 और 89 147। तो यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, बहुत ही सरल तरीका, इसमें क्या करना है तो इसे देखिए कैसे करते हैं, आइए दिमाग लगाइए आप, इसे मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ, चलिए सोचिए कैसे लगाएंगे इसे। तो देखिए समझ गए होंगे आप, देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 में 3 से करनी है गुणा, यहाँ पर कॉलम चल रहे हैं, सवाल कॉलम वाला नीचे की ओर लगेगा, अभी देखिए 5 3 15 15 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 16 ओके। अब देखिए 16 में गुणा करेंगे हम 3 से, 16 16 16 32 16 38 48 और 1 कितना आ जाएगा 49, मिल गई सीरीज, हो गया सवाल, कैसे फिर से समझिए, 5 3 15 3 से गुणा की 1 जोड़ दिया 16 आ गया, 16 में 3 से गुणा की 1 जोड़ दिया 49 आ गया, नहीं समझे फिर से समझो, देखिए गुणा करी हमने 3 से, ऐड किया 1, आप समझ गए, 5 3 15 1 16 16 1 17 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 में गुणा करी 3 से,
9 कम 9 18 होती है 27, यहाँ पर जोड़े 2 तो कितना आया 29, 29 में गुणा की 3 से, यहाँ पर 2 जोड़े 2, 29 तीन और 2 कितना हो गया 89, यहाँ पर 15 गुणा की, अब यहाँ पर देखिए 15 गुणा करनी है 3 से, 15 तीन 45, 15 कम 15 15 30 15 तीन 45, यहाँ पर जोड़ने हैं 3 क्योंकि ऊपर एक जोड़ा फिर दो जोड़ा फिर 3, 15 कम 15 15 उन्नीस 30 15 तीन 45 46 47 48 कितना हो जाएगा 48। अब आपको यहाँ पर चेक करना है ये सही है या नहीं सही है, इसके लिए आपको वॉइस सीरीज लगानी है, अभी आपको पता लग जाएगा। अब आप 48 तीन की गुणा करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने गुणा कर ली होगी तो यहाँ पर सिंपल कितना आ जाएगा 147, नहीं कि कोई बात नहीं हमने कर ली है तो कितना हो जाएगा 147। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है 48, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना जिस तरीके से मैंने अभी आपको बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न दिया गया 11 नंबर पे, 8 13 10 7 12 9 10 15, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन आपके पास चार दिए गए, इसे कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही सरल तरीके से। देखिए इसमें 8, 8 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। यहाँ पर देखिए 8 प्लस 2 कर रहे हैं तो इधर वाली संख्या आती है 10, और 10 में हम क्या कर रहे हैं 3 जोड़ते हैं तो बीच वाली संख्या आती है यानी 13। समझ गए आप कैसे, नहीं समझे फिर से समझिए। 8 में हम जोड़ते हैं 2 तो आती है ये वाली, अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें हम जोड़ते हैं 3 तो आती है बीच वाली, समझ गए। तो देखिए 8 2 10 3 13, समझ गए। इसी तरीके से 7, यहाँ पर 2 जोड़ना 7 2 आएगी बाहर वाली संख्या यानी लास्ट वाली 9, 9 में जोड़ना है 3, 9 10 11 12 तो कितना आ जाएगा बीच वाली संख्या 12 यानी जो दी गई। अब यहाँ पर आपको बतानी है लुप्त संख्या, तो 10 में हम जोड़ेंगे 2, 10 2 कितने होंगे 12, तो बाहर वाली संख्या यहाँ पर 12, अब यहाँ पर जोड़ेंगे अगर 3 जोड़ेंगे तो बीच वाली आएगी तभी हमारा राइट है, जोड़ते हैं तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाती है 15 यानी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन वो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर हमें ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आएगा, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, प्रत्येक बच्चे कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। तो अगला प्रश्न दिया गया 12 नंबर पे, देखिए इसे कैसे लगाते हैं, 5 6 7 8 10 18 21 24 7 9 10 और लुप्त संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। आपके पास चार ऑप्शन है 11 15 13 20, आइए इसे कैसे लगाते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, तो देखिए जो यहाँ पर कॉलम में बीच वाली संख्या है 10, 10 में हमें ऊपर वाली संख्या से देनी है भाग और वही संख्या जोड़ देनी है, ठीक है, 5 दूनी 10 और वही जोड़ देनी है, कितना हो जाएगा 5 दो 7 जो कि नीचे दिया गया है। इसी तरीके से 18 लिखना है, 18 के ऊपर वाली संख्या से भाग देनी है वही संख्या फिर से एक बार जोड़ देनी है, 6 तियाँ 18 और 6 3 9 नीचे वाली संख्या आ जाएगी। देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा अब देखिएगा, देखिए 18 और नीचे 6, 6 तियाँ 18 6 3 9 जो कि नीचे वाली संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 21 से हम भाग देंगे कैसे, यहाँ पर देख लीजिए 21 को हम 7 से भाग देंगे, 7 हम जोड़ेंगे तो देखिए 7 तियाँ 21 और 7 3 10 तो यहाँ पर देखिए 10 आ जाएगा जो कि नीचे वाली संख्या दी गई है। अब देखिए 24, यहाँ पर 24 लिखा है, नीचे वाली संख्या 8 से भाग करनी है, 8 जोड़ने 8 तियाँ 24, 8 3 आपको जोड़ देना कितना हो जाएगा 11, 8 9 10 11 तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको नहीं समझ में आया चलिए मैं आपको फिर से समझा दूँ, कन्फ्यूज न होना है आपको सब समझ में आना है। देखिए यहाँ पर आपको 10 में ऊपर वाली संख्या से भाग देनी है वही संख्या फिर से जोड़ देनी है, तो 10 बटे 5 प्लस 5, 5 दूनी 10 5 दो 7। इसी तरीके से अगली लाइन में 18 को 6 से भाग देनी है, 6 तीन 18 और 6 जोड़ने हैं 6 तीन 9 नीचे वाली संख्या आ जाएगी 9। अब 21 में 7 से भाग देनी है 7 जोड़ देने, 21 में 7 से भाग देनी है 7 जोड़ देने, 7 के 21 7 3 10 नीचे वाली संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 24 में 8 से भाग देनी है, 24 में 8 से भाग देनी है 8 जोड़ने, 8 तीन 24 8 और 3 11 ऑप्शन नंबर 11।
अगर जो मैंने अभी प्रश्न बताए इनमें से कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।